Deerga breath. Ellipse. Umiden. A second degree general equation of the form AX square plus 2HXY plus BY square plus 2GX plus 2FY plus C is equals to 0 will represent an ellipse. Will represent an ellipse if with an extra F delta is not equals to 0 and H square less than AB or eccentricity is dancing between 0 and 1. ये eccentricity is dancing between 0 and 1 नीचे वाली जगह पे मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि किसी second degree general equation के ellipse represent करने के लिए eccentricity की condition का कोई logic नहीं है कहीं से कहीं तक. एक second degree general equation ellipse represent करेगी उसके लिए दो conditions ही हैं बस सिर्फ delta should not be equal to 0 and h square should be less than ab. ये eccentricity वाली condition तो सिर्फ अगर आपको SP और PM का रेशियो दिया हुआ हो. SP कौन था? किसी वेरिएबल पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस. डायरेक्ट्रिक्स से तो PM है ना? ठीक. लोकस या डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. लोकस अभी भी नहीं कटा फॉर तुम. अच्छा काट दिया. ओके. लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट. लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी विच मूव्स इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस SUM सम जोड़ सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स From two fixed points is constant. यदि आपके घर में पिन बोर्ड हो तो उसमें दो पिन्स अगर आप गाड़ के बीच में थोड़ी सी एक रस्सी लगाएं जो थोड़ी सी लूज हो और उसके एंड में अगर एक पेंसिल फंसा ले समझ रहे हो ये वर्टिकल हुई क्या ची अगर इसके एंड में एक पेंसिल फंसा ले पी जिसे बोलते हैं एच कॉमा के तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू तो रस्सी की लेंथ है विच विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट और अगर इस पी को ऐसे मूव कराया जाए तो जो शेप बनेगी ना वो शेप कहलाती है एलिप्स. मतलब ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन बताया आपको घर पे अगर आपको ट्राई करना हो तो जो लोकस अभी हमने लिखा उसका मीनिंग क्या है. दो पॉइंट फिक्स अगर कर दिए जाएं उनके बीच में एक रस्सी थोड़ी सी लूज छोड़ के उसके एंड में अगर पेंसिल फंसा के ऐसे घुमाया जाए तो आपको जो शेप बनेगी उस शेप को कहते हैं एलिप्स. अब इसका लोकस कैसे निकाला जाएगा उसके लिए एफ वन और एफ टू के कोऑर्डिनेट माने गए सी कॉमा जीरो और माइनस सी कॉमा जीरो और बोला गया कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू जो है वो कॉन्स्टेंट है. इस कांस्टेंट को यदि 2a मान लिया जाए कितना 2a मान लिया जाए तो एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी. जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन लेने के लिए मैंने डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a और फोकस a कॉमा 0 लिए थे उस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड एलिप्स बनाने के लिए दो फिक्स पॉइंट लिए एफ वन और एफ टू सी कॉमा 0 और माइनस सी कॉमा 0. पी मेरा मूविंग पॉइंट हमेशा एच के है ही और पी एफ वन प्लस पी एफ टू जो कि उसकी डेफिनेशन थी कॉन्स्टेंट होना चाहिए उस कॉन्स्टेंट को मान लिया 2a. जैसे ही मैंने इस कॉन्स्टेंट को 2a माना कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस चर्चा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी की जा चुकी है. यदि ये 2a 2c से बड़ा है तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. f1 f2 के बीच की डिस्टेंस 2c है. अगर 2a 2c से बड़ा हुआ तो pf1 f2 एक रियल ट्रायंगल होगा. रियल ट्रायंगल होगा तो p का लोकस रियल आएगा. सही है. तो दिस इंप्लाइज लोकस विल बी एन एलिप्स. 2a इज इक्वल टू 2c.
लाइन सेगमेंट बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, क्योंकि पी यहां हो गया भाई साहब, पी एफ वन प्लस पी एफ टू अगर टू सी के बराबर है, यानी कि पी एफ वन एफ टू के बीच में है। पहले हो चुकी है बातें इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लोकस विल बी लाइन सेगमेंट एफ वन एफ टू लिख देता हूं यार, इतना लंबा तो कौन लिखेगा, 2a less than 2c, तो पी एच के भाग जाएगा, मैं नहीं भागता ऐसे, फिर क्या मजाक समझ रखा है क्या, सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से छोटी कैसे हो सकती है, लोकस विल बी इमेजिनरी, आप सिर्फ ख्वाबों में सोच सकते हो, बनेगा बुनेगा कुछ नहीं, 2a less than 2c। अब बात आई इक्वेशन निकालने की, भाई साहब इक्वेशन तो निकालो, ऐसे थोड़ी चलेगा काम, वी नीड इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकस की इक्वेशन अगर चाहिए तो यहां पे पी एफ वन प्लस पी एफ टू की जगह कुछ रखना पड़ेगा, पी एफ वन बोलो अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। आगे बढ़ने के लिए एक साइड लाके स्क्वायर कर दे, मर जा डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, जैसा कि हमेशा अमर जाल लगा रहता है कि मैं तो दुनिया से अलग बोलूंगा, ठेकेदारी ले रखी, डायरेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट स्क्वायर हम थोड़े समझदार हैं, दो चार ग्राम, इसलिए हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हाँ सही है, क्यूब होता तो करते डायरेक्ट, क्यूब करना चाहिए डायरेक्ट हमेशा, क्योंकि क्यूब करने में क्या होता है कि ए प्लस बी फिर से क्रिएट होता है, क्यूब में फायदा यह है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी फिर से जो बनता है ना उसकी जगह आप ये रख सकते हो, तो क्यूब करने में तो हमेशा डायरेक्ट फायदा होता है, स्क्वायर में हमेशा हम एक मनुष्य को दूसरी साइड ले जाके फिर स्क्वायर करना चाहिए, अगर बचपन वाले मास्टर की बात मानी जाए तो, बट आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है और आप बड़े बड़े आदमियों से पढ़ रहे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब वो क्या बार बार मुझे अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता फिर इसलिए मैंने चेंज कर दिया फिर तो अब तो आप बड़े बड़े लोगों से पढ़ रहे हो, फिर तो बड़े बड़े लोगों से पढ़ रहे हो तो तरीके भी तो बड़े बड़े होने चाहिए फिर, ठीक है। तो भैरू जी को बुलाया गया, भैरू जी ने बोला बेटा एक काम कर, जिंदाओ कितने लोग निपट गए, हाथ खड़ा करना है, थोड़ा ऊपर हाथ खड़ा करो एकदम, राघव जी समझा रहे हैं बोर्ड पे आके आप सभी को कि कैसे आया, राघव जी प्लीज सवासी, तो भाई सवास तुम्हें लपड़ पड़ना चाहिए ना अपने आप को, लग रहा है ना तुम्हें ऐसा, याद आ रहा है कुछ, और बड़े लोगों की चीजें हैं ये गुलाबचंद, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे सब कट जाएगा, के स्क्वायर भी कटेगा एच स्क्वायर भी कटेगा सी स्क्वायर भी कटेगा, इसमें टू एच सी आएगा, इसमें माइनस टू एच सी आएगा, इसलिए जुड़ जाएंगे फोर एच सी आ जाएंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा बेसिकली, अरे उसे रैशनलाइज किया ऊपर नीचे स्टेप भी तो खानी पड़ेगी ना, बड़े हो गए ना, ऊपर फोर एच सी बचेगा तो फोर एच सी अपॉन टू ए इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट, अब वो प्लस वाले को पहले इसलिए लिखा है, अब उतना तो समझो कम से कम, प्लस वाले को पहले क्यों लिखा है यार, अब चाहो तो जोड़ लो चाहो तो घटा लो जो इच्छा हो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अंडर रूट तो कटने वाला है आपका, तो मैं तो जोड़ूंगा ही, जोड़ना हमेशा अच्छा लगता है, तो सुपुक सुपुक टू टाइम्स एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू बोलो भाई ए प्लस एच सी बाय ए,
और टू टू भी काट दिया, बड़े हो रहे हैं जल्दी जल्दी स्टेप लिख रहे हैं, और क्या करें, क्या करना है आगे, क्या करें, अब तो स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। कब तक स्क्वायर से बचोगे, मतलब कब तक बकरे की माँ खैर बने, किसकी माँ खैर बनाती है, क्या बोलते हैं, कहावत क्या है, बकरे की है क्या वो, अच्छा कब तक बकरे की माँ खैर बनेगी, ऐसा कुछ है मतलब कहावत। इसका स्क्वायर कर दिया भाई, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एच सी प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ही लेते यार, है ऐसे चलने दो, ऐसे चलने दो, चलो ऐसे चलने दो, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू एच सी बाजे है। एच स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। कुछ कुछ तो एलिप्स जैसी इक्वेशन तो बनी है फाइनली, है जो इक्वेशन आप लोगों ने देखी है उस इक्वेशन को बनाने के लिए कुछ लेटा गया, लेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ध्यान देना मेरी बात पे, लेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि ए सी से बड़ा माना गया था तभी तो एलिप्स बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्वांटिटी थी, इसे थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर मान लिया गया और मेरे स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जिसकी फोटो आपके सामने बनाई गई है और जितनी मैथ आपको आनी चाहिए या आती होगी अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए, हेलो एक्स एक्सिस के साथ, तो इस इक्वेशन में क्या रखा जाएगा, वाई जीरो, इफ आई पुट वाई इजिकल्स टू जीरो एक्स इजिकल्स टू प्लस माइनस ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे ए कॉमा जीरो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस ए कॉमा जीरो। अगर वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना हो, एक्स को जीरो, वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा माइनस बी आएंगे, नोट दैट। इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन विद पार्स ऑफ एक्स एंड वाई, विद पार्स ऑफ एक्स एंड वाई, both even, both even, and hence the curve is symmetric about, the curve is symmetric about x and y axis। मेरे कर्व की इक्वेशन में x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देने पे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देने पे कर्व की इक्वेशन का सेम रहना उसे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाता है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर कर्व की इक्वेशन का सेम रहना उसे x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाता है। दोनों को ही रिप्लेस करने पर अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा का मतलब कर्व शुड बी सिमेट्रिक इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट में सेम बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज एरिया निकालने के काम में आती है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के फोर टाइम्स कर दूंगा, ये एरिया अंडर द कर्व में पाई ए बी निकलवा जा चुका है इसलिए दोबारा नहीं बताया जाएगा, आशा भरी निगाहों से ना देखें, वहां करवाया जा चुका है, विश्वास ही करना पड़ेगा, बहुत तो क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, मेमोरी तो है नहीं ना तुम्हारे पास, हाँ पाई ए बी आया था, बोल दिया मैंने अभी, ये भी बोला था सर मैंने, अरे वही बोला था नहीं, हम क्या एक तो जो लोग ये आधा मुंह में खा जाते हैं ना, मैं समझ ही नहीं पाता क्या चाहते हैं बोलना,
ये क्या है? हाँ एलिप्स. लो सुनो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख सकते हैं. यहां पे ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए y की जिससे x आए? तो इसके लिए लोगों ने बोला कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सिंपल सी बात है. राइट साइड अगर जीरो जीरो से बड़ी होगी तो x आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मना कर देगा साहब. हैं? तो इसको सॉल्व किया गया, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मॉड वाई लेस देन इक्वल टू बी, वाई बिलोंग्स टू माइनस बी टू बी. सिमिलरली x बिलोंग्स टू आएगा माइनस ए से ए. वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को एक तरफ रख के इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, सेम रिजल्ट मिलेगा. हैं? अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने एलिप्स बनाया, क्या बनाया? एलिप्स. वो तो हम लोग ज्ञानी थे एक्चुअली कि हम लोगों ने पहले एलिप्स बना लिया था. गलत बात है. ये दो एनालिसिस जो मैंने अभी लिखा है ना, ये पहले होने चाहिए थे कि मेरा कर्व चारों एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है. दूसरी बात, एक्स माइनस ए से ए के बीच में, वाई माइनस बी से बी के बीच में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि माय एलिप्स विल बी कन्फाइंड इन अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी. मेरा जो भी कर्व बनेगा वो इस रेक्टेंगल के अंदर कन्फाइंड होगा. ये हर एक चीज जो आपको कॉपी में लिखाई जा रही है पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है. और हम धीरे धीरे जो पत्ते खुलेंगे चैप्टर के तो आपको क्वेश्चन मिलेगा हर एक चीज पे. कर्व सिमेट्रिक अबाउट ऑल द फोर क्वाड्रेंट वाली चीज का मैंने बता दिया आपको. एरिया निकालते वक्त जरूरत पड़ती है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के फोर टाइम्स करने से आपको आपके एलिप्स का एरिया मिल जाता है. सेकेंड नोट, द एंटायर कर्व इज कन्फाइंड, द एंटायर कर्व इज कन्फाइंड विद इन रेक्टेंगल within a rectangle formed by x is equals to plus minus a and y is equals to plus minus b.